अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे जो साइकोलॉजी है उसका लेक्चर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी का। और उसमें हम पढ़ रहे हैं असलेबी तहकीक। असलेब की तहकीक मतलब तहकीक के मेथड, तहकीक के तरीके। अनवान जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सर्वे का तरीका। इससे पहले हम तहकीक के जो तरीके थे, जो मेथड थे, उनमें से हम जो तजर्बाती मेथड था वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्वे का मेथड। तो सर्वे के मेथड को पढ़ने से पहले आपकी ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी हुई है, तो आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। तो वो कहते हैं किसी खास मसले या इससे मुतल्लिका अमूर और इसके असबाब की छानबीन के लिए अफराद से साइंसी अंदाज में राय लेना सर्वे का तरीका कहलाता है। अब साइंसी अंदाज कौन सा हो सकता है? वो जुबानी कलामी इंटरव्यू ले सकते हैं या तहरीरी शक्ल में सवालनामा रेडी करके या सवालनामे के जरिए सवाल पूछकर आप लोगों से साइंसी तरीके से किसी चीज की छानबीन कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर्वे के दो तरीके होते हैं, बराह रास्त तरीका और बिला वास्ता तरीका। अब याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये काफी बार पेपर में इसे रिपीट कर चुके हैं बोर्ड के हवाले से कि ये क्या है। तो आप इसमें सर्वे, जब क्वेश्चन पूछा जाए सर्वे क्या है उसकी डेफिनेशन लिखे, इसके दोनों तरीकों को लिखे, ठीक है। तो इसका पहला तरीका बराह रास्त का तरीका हम पढ़ लेते हैं। तो जो बराह रास्त का तरीका है इसको समझने से पहले या हम अपनी टेक्स्ट बुक से इसको अच्छी तरह से रीड करें उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको आसान, इसका कॉन्सेप्ट इसका क्या है। इसका आसान सा कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी फर्द से जब हम उनके सियासी, समाजी या कोई भी मसले जो माशरे में आए हुए हैं उनको जब आप बराह रास्त अवाम से, मतलब फेस टू फेस जाकर अवाम से राबता करते हो, तो इन मामलात को हम बराह रास्त सर्वे कहते हैं। इसमें आप उनकी सनती मसनूआत वगैरह जो है आप उनसे राय ले सकते हैं, सुपरमार्केट क्या है, खिलाड़ी की पसंदीदगी चीजें क्या है, शोहरत उसको कैसे मिली है, सेहत और सफाई से मुतालिक गली और मोहल्ले में जाकर आप लोगों की राय जान सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में अगर गंदगी है तो हम उसको कैसे इम्प्रूव करें, अगर साफ सुथरा है तो उसे मजीद खूबसूरत कैसा बनाया जाए। ये तमाम चीजें जो हैं ये बराह रास्त सर्वे में, मतलब फेस टू फेस जाकर आप पूछते हो, या तो क्या करते हो जुबानी कलामी, मतलब फेस टू फेस जाकर सवाल करते हो, या फिर आप तहरीरी शक्ल में लोगों को देकर सवाल पूछ सकते हो। अब हम इसको रीड करके देख लेते हैं। वो कहते हैं बराह रास्त सर्वे का इन हालात में इस्तेमाल करना बेहतरीन होता है जब सर्वे में राय आमा, मतलब अवाम की राय, उनके रवैयों की पैमाइश, उनका बिहेव जो है उनकी पैमाइश की जाए, मार्केटिंग के मसाइल जो हमारे उनको देखा जाए, अवामुल नास मतलब लोगों के दूसरे जो समाजी या सियासी मसाइल हैं इनसे आगाही के लिए अवाम से जब हम राबता करते हैं। अब सियासी समाजी मसाइल भी मैंने आपको बताया कौन कौन से हो सकते हैं, तो यही कि आप इजी एग्जांपल आपके पास मैं यही दे रही हूँ कि गली मोहल्ले में अगर हमारे कोई इशू आ गया या गली मोहल्ले में हमारी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है तो हम किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं, लोगों से आप उसकी राय ले सकते हैं, ठीक है। अक्सर फील्ड में जाकर अवाम या किसी ग्रोह के साथ अफराद के बारे में हकायक इकट्ठे करने में ज्यादा वक्त सर्फ करना मुश्किल होता है। फील्ड से मुराद होगा आप यूं कह सकते हो कि उस जगह पर जाना जहां पर जाकर आप लोगों से राय लेने हो। तो यहाँ पे वो वही बात कर रहा है कि एग्जैक्ट वहां पर जगह पर जाना और एक ग्रोह से उनके बारे में राय लेना मुश्किल हो जाता है, तो सर्वे के जरिए बहुत से मुफीद मालूम कम वक्त में हासिल किए जा सकते हैं। तो सर्वे करते वक्त महक्कीन एक तहरीरी सवालनामा या जुबानी इंटरव्यू के जरिए मुंतखब ग्रोह से मालूमात हासिल करता है। कैसे? या तो वो एक सवालनामा रेडी कर लेता है, लोगों में वो बांट लेता है, नहीं तो जुबानी इंटरव्यू से मुराद वो चंद एक दो सवाल रेडी करके जाता है और लोगों से फेस टू फेस वो पूछ लेता है। इस किस्म की कायनात या बड़े ग्रोह से वो सैंपल या नमूना चुनता है। इस सैंपल के चुनाव में ऐसे खास एहतियात करनी पड़ती है कि सैंपल सही मायनों में अपने ग्रोह की नुमाइंदगी करे, मतलब आपको ग्रोह स्पेसिफिक होगा, उस ग्रोह से आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछने हैं और उनकी राय जाननी है कि कितने परसेंट लोग अपनी राय कैसे देते हैं, उनकी फिर राय को इकट्ठा करके हम फिर उसका तजिया करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से कितने परसेंट लोग ये बात चाहते हैं। कायनात से मुंतखब करदा सैंपल इस तरह से इंतखाबात करने चाहिए कि वो ग्रोह के हर फर्द के इंतखाब के लिए जानने के बारे में मौके, मतलब सबको इक्वल मौका दिया जाए कि आपके हर सैंपल का हर फर्द इक्वल जो है उसको मौका दिया जाए अपनी बात रखने का। तो इसको आप सही नुमाइंदगी ना कर रहे हो तो सर्वे का कोई फायदा नहीं। अगर आप उनको इक्वल टाइम नहीं देंगे तो सैंपल का जो ग्रोह है आप उनको इक्वल टाइमिंग नहीं दे रहे हैं, एक जैसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर आप सही मायनों में नुमाइंदगी में से कोई भी वो जो क्या कहते हैं सैंपल जो है इकट्ठा कर रहे हो वो
बेहतर नहीं है, तो इससे हमारे सर्वे में हमें कोई फायदा नहीं होता। आगे वही एग्जाम्पल जो भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि अवाम की सियासी रहनुमाई के बारे में, या आपको अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप किसी खिलाड़ी की पसंदीदगी के बारे में, कि उसको क्या चीज पसंद है, उसको शोहरत कैसे मिली है, ये तमाम चीजें हम पूछ सकते हैं इनसे। कहें कि नई मसनूआत को अवाम में मुतारिफ करवाते वक्त इन मसनूआत की मार्केटिंग में जरूरियत और अहमियत मालूम करने के लिए इंतजामिया सर्वे करती है। जैसे लोग घर घर आके प्रोडक्ट्स वगैरह आपको देते हैं, तो वो चेक कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये मतलब आपका जो प्रोडक्ट जा रहा है उसकी मार्केटिंग आप कर रहे हो, तो आगे वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा सेल हो सकता है, ये चीज यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा अपने मध्य मुकाबिल जो मतलब उसके ऑपोजिट जो अगर कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट चल रहा है, तो अवाम में वो किस वजह से मशहूर रहा है, किस वजह से शोहरत पाई है उसने, वो तमाम चीजें, वो तमाम डिटेल जो है वो आप अपने बराह रास्त सर्वे में मालूम कर सकते हैं। सर्वे का बिला वास्ता तरीका या मैदानी मसाहती तरीका, ये हमारे सर्वे का दूसरा टॉपिक है, यानी कि फील्ड स्टडी मेथड। इसमें हम ये चेक करते हैं कि आया हमारी जो फील्ड स्टडी है, इसमें सबसे पहले मेन टॉपिक यही बात है कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आप वहाँ पर सर्वे करने जा रहे हो, आप कोई से एक या दो खास सवाल लेकर जाते हो, और वहाँ पर आपकी कोशिश यही रहे कि आपके जो मूल हैं जिन पर आप सर्वे करने वाले हो, मुशाहिदा करने वाले हो, उनको आपके मुशाहिदे के बारे में कोई खबर ना हो, वो इस चीज़ से पूरी तरह से बेखबर हों, वो ये भी देखते रहें इसमें कि वो जो सवाल आप उनसे कर रहे हैं उस पर मतलब उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, और कोई भी शराइत जो लागू होती हैं किसी काम पे करने पे, कोई हंगामी सूरत हाल ना पैदा हो जाए, इन सब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो शर्त है आपको उस पर भी कोई काबू नहीं होना चाहिए, अगर कोई सूरत हाल है तो उस पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए मैदानी मसाफी तरीके में। इसमें अब यही होता है कि मामूल को पता ना हो, आप खुद उसकी ज़िंदगी में, ऐसे भी आप सर्वे कर सकते हो कि उसकी ज़िंदगी में आप खुद शामिल हो जाएँ, शामिल होकर उसकी ज़िंदगी के बारे में डिटेल जाने, मतलब आप उसे मालूम ना होने दें मामूल को कि आप उसका मुशाहिदा कर रहे हैं। तो अब इसे रीड करके हम देख लेते हैं। कहते हैं आज के दौर में भी साइंस का हर डिसिप्लिन या कानून किस पुराने तहकीकी तरीके पर इनहिसार करता है, हम तहकीक किस तरह से करते हैं। ये जो एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टॉपिक में आपसे पूछा गया कि हम तहकीक किस तरह से करते हैं, यही आपके जो ये चैप्टर है इसके लास्ट में पूछा जाएगा कि हम तहकीक कैसे करते हैं, हम वहां पर इसे डिटेल से बताएंगे कि हम तहकीक कैसे कर रहे हैं। ये कुदरती मुशाहिदे की ही एक शक्ल है, ये अक्सर इन हालात में इस्तेमाल किया जाता है जब तजर्बा करना नामुमकिन हो। फील्ड स्टडी को बराह रास्त कुदरती मुशाहिदे का तरीका कहा जाता है। इस तरीके में मुहक्किकीन को एक या दो खास सवाल लेकर फील्ड में जाना पड़ता है और अपने मुशाहिदे को रिकॉर्ड करना होता है। इस काम को शराइत को मुस्तकबिल काबू में रखना, मतलब जो शराइत हैं, जो शर्त लागू हो रही है उनको काबू में रखना जरूरी नहीं है, और ना ही किसी सूरत हाल इन्हें कंट्रोल करना होता है। इसे ना ही उन तमाम शराइत को दिखाना होता है जिस पर मामूल काम कर रहा होता है, ये ज्यादा मुफीद होगा। मतलब मामूल वो इंसान होगा जिस पर हम मुशाहिदा करने वाले हैं, वो कहते हैं वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर होता है किसका मुशाहिदा किया जा रहा है, और ऐसे ही तहकीकात अक्सर कामयाब होती हैं। बास दूसरे हालात में महकिन को दूसरे लोगों को अपने मुशाहिदे की गायत बताए बगैर, मतलब हमारा गर्ज क्या, हमारा मकसद क्या, हम क्यों इसका मुशाहिदा करें, वो बताए बगैर ही हम उसका मुशाहिदा कर लेते हैं, और बाज़ूकात ऐसा होता है कि हमें मामूल की तर्ज जिंदगी, मतलब उसकी ज़िंदगी का जो तरीका है उसमें शरीक होकर उसका मुशाहिदा करना जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है। शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो अपलोड होंगी, न्यू वीडियोज़, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।